देखो मेरे गांव से आना बड़ा, ये चार्जर मिल चुका है वायरलेस, इसको अनबॉक्स करते हैं। जो मैंने यूट्यूब पे देखी थी बिल्कुल गंदा एक्सपेरिमेंट हुआ, कोई मत करना भाई घर पे क्या बाहर क्या। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग भाई सबको। सो आज का ब्लॉग सीधा स्टार्ट भाई, खेतों में से घूमने आए थे मैं और जोरा, फिलहाल घुमा दिया इसको भाई 2-2.5 किलोमीटर इधर आ चुका हूँ और फिर चलते हैं। सुबह सुबह मेरी हर रोज़ हो जाती है भाई 4 या 5 किलोमीटर की वॉकिंग, इसलिए सारा दिन तो नहीं बोल सकता लेकिन परसों तो सारा दिन सोया रहा, बट मोस्टली फ्रेश रहता है बंदा, एक्टिव रहता है, सुबह सुबह घूमना चाहिए। फिलहाल चलते हैं भाई घर, घुमा दिया इसको, ये देखो कैसे एक्टिव हो जाता है, सामने डॉग्स आ रहे हैं और देखो सामने, चलो भाई घर चलते हैं फिलहाल। लो भाई दूध पीते हैं, आज ब्रेड तो मिले नहीं यहाँ पे, रात मैंने बोला था तो मैं ये ले आया था डब रोटी और पीनट्स, इसके साथ पीते हैं। चलो भाई सभी निकलते हैं भाई, आज मेरी एक नई चीज़ आई है, मैंने ऑर्डर पे भी मंगवाई थी और वैसे मेरे को ऐसे ही मिल गई, वो सस्ती मिल गई, वायरलेस चार्जर मंगाया भाई, वो काफ़ी पुराना लाइक नोकिया के आते थे 8-9 साल पहले, वो मिला भाई सिर्फ 200 रुपये में। आपको लेके दिखाता हूँ फ़ोन, देखते हैं भाई चार्जर करेगा या नहीं, मेरे को तो पता नहीं है। तो चलो लेके आते हैं, मेरी बुआ का लड़का लेके आया, चलते हैं। लो भाई पहुँच चुके हैं और ये इतना बड़ा झूठा है ना भाई, इसने मेरे को मेरे गाँव से आना बड़ा, ये चार्जर मिल चुका है वायरलेस, इसको अनबॉक्स करते हैं। ये रखा है इसका कितना बड़ा नोकिया का, और ये है इसका भी जिसको फोन रखा जाएगा, देखते हैं चला के चलता है कि नहीं, किस साइड से रखा जाएगा ये देखते हैं, पता ही नहीं। चल भाई करके ना कनेक्ट वहाँ पे, इसको भी कर, ये भी हो चुका है, फ़ोन की ज़रूरत है, रखते हैं इस पे फ़ोन। तो भाई अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, कौन सा मॉडल है ये, रियलमी 5 प्रो में, ये रहा मेरा फ़ोन जिसमें मैं वीडियो बनाता हूँ 12, चेक करते हैं इसमें तो बड़ी हैंग हो रही है वीडियो, चलता है कि नहीं भाई। चल गया भाई, चल गया चल गया चल गया, शुक्र है। तो भाई हवा कितनी अच्छी चल रही है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने कबूतरों के लिए डाली हुई है, यहाँ पे फैमिली पानी है क्या नहीं पानी कबूतर आप खानी है। चलो भाई चलते हैं अभी घर को, भाई फिलहाल घर पहुँच चुके हैं और ये रहा अपना चार्जर, अभी देखो अच्छे से भाई देख रहे हो, और अभी खाना खाते हैं, खाने में भाई आ जाए नमकीन चावल और दही, मेरे फेवरेट है ये खाते हैं, और उसके बाद 2 दिन काम है, सबसे पहले आटा चक्की पे जाना है, वहाँ पे जाके आते हैं। लो भाई अभी बच चुके हैं शाम के 4 और अभी बनाते हैं डाइट अपनी, जो मैंने यूट्यूब पे देखी थी, मम्मी भिगोने नहीं है भाई, इसको पानी में उबालना है, अच्छे बनेंगे, देखो से एक बार जल्दी देखो, 2 मिनट में बनाऊंगा, मैंने देखा गालियाँ। चलो भाई बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं, पीछे भी भाई शोर शराबा, इधर भी बस मैं अकेला ही हूँ ऐसा। लो जी भाई काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी निकालते हैं चने अपने, निकालते हैं अभी, काफ़ी टाइम हो चुका है, और मैंने ये गलती की बाय द वे, इनको ना अगर रात को भिगो के बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे, ये तो मैंने ऐसे ही बना लिए क्योंकि मैंने भूल गया था रात भिगोने, इनको रात को भिगोना पूरी रात के लिए, दिन में उठ कर उबाल लेना, बहुत अच्छे लाइक चाहे सुबह भिगो के शाम को बना लो, बहुत अच्छे बनेंगे फिलहाल। चलो अब इसको बंद कर दें भाई, ये भाई अपने चने आ चुके गर्म गर्म, इसमें डालते हैं अभी ये ऐड करते हैं, ये वाला सिस्टम अपना, बस। लो भाई अपना जिम के पहले का मील अपना आ चुका है, खुशबू भी, टेस्ट भी, हेल्दी भी, बेनिफिट्स भी, सब कुछ है भाई इसमें। कल से ना अभी रात को भी होगा सोऊंगा, कल सुबह उठ के बना के खाएंगे तब बड़े अच्छे बनते हैं भाई, आज मेरे को लगता नहीं इतने अच्छे बने होंगे, फिर भी देखते हैं टेस्ट कैसा है, ठीक है
इतना अच्छा नहीं है भाई, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं है। नो, कोई फायदा नहीं है भाई, कोई मत बनाना इसे, एक्सपेरिमेंट फेल है बिल्कुल भी। इसको दोबारा भिगोऊंगा अब जाके, ऐसे ही बोल दूंगी भाई हाँ बड़ी टेस्टी बनी है, कुछ नहीं बना, स्वाद है बिल्कुल स्वाद, गंद बना नहीं रही। सब इसको दोबारा भिगोते हैं, आके देखूंगा, आके सही हो जाएंगे। बस प्याज या खीरा खा लिया मैंने और सब छोड़ दिया भाई, इसको भिगो दूंगा दोबारा। बिल्कुल गंदा एक्सपेरिमेंट हुआ, कोई मत करना भाई घर पे क्या बाहर क्या, कभी जब भूखा भी ना तब भी ना बनाने कोई ऐसे भाई उबाल के। तो भिगो के बड़े अच्छे बनेंगे, भिगो के देखते हैं। बाकी अभी पहले कुछ नहीं कह सकता, अभी बोला था कि बहुत अच्छे बनेंगे, गंद बन गया नहीं रही भाई। सो चलो अब भिगो के देखते हैं इसको। चलो भाई अभी निकल रहे आटा चक्की पे, कपड़े ही डाल के जाऊँगे, नहाया नहीं, नहा के चले जाता, बट इतनी ज़्यादा डस्ट है वहाँ पे, आऊँगा तो पाउडर लग जाएगा मुँह पर। सो फिलहाल ऐसे ही चलते हैं, चलो। सो लो भाई फिलहाल आ चुका हूँ भाई, इस रास्ते से आऊँ, चक्की सामने, वैसे वो मेन रोड भी जाता है सामने, देखो ट्रक जा रहा है यहाँ पे ये वाला, बट ये रास्ता बहुत सेफ भी है, ट्रैफिक भी नहीं है और अच्छा भी है, लाइक बाइक के लिए गाड़ी के लिए दोनों के लिए अच्छा है, और ना इतनी डस्ट है वहाँ पे, तो सिंगल रोड है भाई, आने वालों के लिए भी जाने वालों के लिए भी, यहाँ पे मस्त जाओ भाई जैसे मर्जी जाओ। सो फिलहाल अब मैं ऊपर से पहन के नहीं आया कुछ भी, और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना मेरे को, बहुत ठंड लग रही है भाई। सो अभी जाके उठाते हैं चक्की पे से, हमारी आटा पड़ा है वहाँ पे, वहाँ से उठाते हैं, और उसके बाद घर आके नहा धो के जिम को निकल जाएंगे भाई। आज जोरे को मैंने घुमाया नहीं क्योंकि मेरा भाई चला जाएगा, वरना घुमाता तो मैं और लेट हो जाता भाई, क्योंकि आजकल दिन भी बहुत छोटे छोटे से आ रहा है, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। फिलहाल जल्दी जल्दी आटा चक्की पे से अपना काम पूरा करके नहा के निकलते हैं भाई जिम को। सो भाई अभी आ चुके हैं आटा चक्की से, वहाँ पे अपना काम तो हुआ नहीं, और बाल देखो। सो वहाँ पे नहीं अपना काम हुआ, अभी जाके घर पे नहाते हैं भाई, नहा धो के फिर निकलते हैं जिम को, और यहाँ पे रुका हूँ भाई। ये रास्ते देखो कितने सुंदर हैं, ये रास्ता वैसे का वैसे ही है, जब ये सामने सोसाइटी है ना जो बिल्डिंग्स वाली, ये कुछ भी नहीं बने थे, तभी यही रास्ता चलता था उस गांव को जाने के लिए, मेन रास्ता था ये। सो फिलहाल अभी घर जाके नहा धो के फिर निकलते हैं भाई सीधा जिम को, और एक काम और भूल गया सबसे ज़्यादा भाई, मैंने गीज़र ऑन करना था वो भूल गया मैं, अब जाके करूँगा, फिर उतना टाइम वेस्ट होगा, जितना बचाने के लिए जल्दी आया था उतना फिर वेस्ट हो ही गया भाई। रे भाई नहा धो के रेडी हो चुका हूँ फिलहाल, और अभी निकलते हैं शेकर उठा के सीधा जिम को, वहीं जाके मिलते हैं भाई आपको, क्योंकि पहले ही भाई बहुत लेट हो चुका हूँ मैं। चलो तो भाई जिम पहुंच चुके हैं फिलहाल, आज फिर यहाँ पे देखो शादी है भाई, यहाँ पे हर रोज किसी का बर्थडे शादी होती ही होती है, मोस्टली सर्दियों में तो बहुत ज्यादा होगी, अभी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो डेकोरेशन कितनी अच्छी है भाई, कितनी ज्यादा अच्छी डेकोरेशन है, देख रहे हो बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है फिलहाल, ये देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है। जो यो भाई बिलाल जिम पहुंच चुके हैं, और आज अपने बैक एंड बाइसेप्स और कार्डियो करते हैं फटाफट, उसके बाद मिलते हैं आप भाई, पहले ही लेट हो चुके हैं। चलो
देखें, हमारे सपने हो चुके हैं। चलो भाई मज़ा आ गया। अब आज जिम बहुत अच्छी हुई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, लाइक 2 घंटे हो चुके हैं पूरे जिम को रेगुलर। इधर देखो भाई पीछे लाइव स्टेज है भाई, सिंगर लगा हुआ है कोई, लाइव स्टेज होता है जो। फिलहाल अभी चलते हैं घर भाई, घर जाके लेते हैं अपनी डाइट, चने देखेंगे जो भी हो गया था, अच्छे हो गए तो भी खा लेंगे वरना सुबह तक हो जाएंगे। तो चलो आज बना हो चुका है day 40 ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का, day 7 कम्प्लीट। चलो भाई मिलते हैं घर जाके। भाई एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो ये है भाई स्कॉच जो भी बोलते हैं वो है। यहाँ के सोफा बड़ा अच्छा था, मैंने सोचा बैठ के थोड़ा टाइम रेस्ट करते हैं। क्रेटिन आज साथ में ले आया था, वरना जाके कुछ खा भी नहीं होता, पेट भर जाता है। चलो ये पी के चलते हैं घर। सो गाइज फाइनली भाई घर पहुँच चुके हैं, आज खाते हैं खाना, लेट हो गया पहले ही मैं, दाल चावल और खीरा एक। सो ये चावल दोपहर वाले हैं, सो चलो ये खाते हैं और आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। खुश रहो, आदर हो, ज़्यादा बाय।